Hello everyone, how are you? Well guys, I just want to wish you all a very happy, prosperous, successful life ahead for you. यार जब भी न्यू ईयर दिसंबर आते आते एक एक वर्ड तेरे को बहुत कॉमन बहुत ही फ्रीक्वेंटली तेरे को सुनने को मिलता होगा दैट इज हे व्हाट्स अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. यार न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वेदर ही और शी बिलीव्स ऑन दिस और नॉट. किसी के लिए क्या है यार, इट्स जस्ट लाइक वन मोर ईयर. वट इज डिफरेंट इन दिस, आई मीन हाउ दिस इज डिफरेंट टू बी एनी अदर ईयर. इट्स जस्ट लाइक आफ्टर दिस 2021 विल कम, 2022 विल कम, दिस और दैट. यार मैं अगर तुम न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बिलीव करते हो अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो तुम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तेरे को कोई मोदी एंटी नेशन नहीं कहने वाला. एनीवे तो व्हाट आई मीन टू से इज यार, अगर तुम न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बिलीव करते हो तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सो मैनी रेजोल्यूशन जस्ट स्टिक विथ वन और टू. यार उसको सक्सेसफुल अचीव करना इज ईजियर देन 10 कर देखे हो, 10 में यू आर नॉट श्योर अबाउट इवन एनी वन ऑफ देम. दिस इज रॉन्ग. तो एक दो ही बनाओ, जो फॉर्म बनाओ प्रैक्टिकल होना चाहिए. अब तुम एक साल में लिख रहे हो कि मैं 1,000 करोड़ का मालिक हो जाऊँगा एंड राइट नाउ यू आर अनएम्प्लॉयड और वट एवर यू आर डूइंग दैट इज नॉट सो मच गिविंग टू यू सो दैट यू कैन अचीव 1,00,000 करोड़ 1,000 करोड़ इन अ ईयर. तो ऐसा बुलशिट करना खुद के साथ इज नॉट राइट. राइट अब तुम समझ सकते हो यार दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन एनी वे. तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन लिया जाए. सपोज मान लो तुम्हारा वेट 80 kg है, उसको 60 करना, 65 करना इज प्रैक्टिकल है. आई मीन अगर तुम इसको 3 to 4 months में करना चाहते हो इट्स टोटली पॉसिबल. इवन 6 months का भी अगर तुम टारगेट लेते हो तो ईजिली रीचेबल है. अब ऐसा नहीं है कि 80 से डायरेक्ट तुम 50 एक मंथ में आ जाओगे. तो इस तरह का रेजोल्यूशन इज टोटली एब्सर्ड साउंड करता है. दिस इज समथिंग what you are bullshitting with yourself, right? तो अब जैसे तुम जैसे मैंने बोला 80 kg है, तो अगर 65 करना या 70 करना 3 months 4 months में प्रैक्टिकल साउंड करता है एंड टोटली फीजिबल भी है. अब यार सो तुम सोच रहे हो लाइक कि मैं यार इस साल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो यार. यू मस्ट बी फिक्स विथ वन थिंग. आई मीन सपोज तुम एस एस सी का देना चाहते हो तो स्टिक विथ एस एस सी, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम रेलवे फ्रॉम बैंकिंग, क्योंकि सिलेबस अलग है, फॉर्मेट अलग है. वहाँ पर बैंकिंग की फॉर्मेट अलग है, रेलवे की अलग है, यू पी एस सी की अलग है, यू पी पी एस सी की अलग है. तो स्टेट तो स्टिक विथ वन द वन थिंग. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू read one thing. The one thing is very 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 important book for any person is concerned. This will teach you why, how and you know when to stick with one thing. So ek acha book hai yaar, tumne wo to suna hi hoga na, boon boon karke ek patthar ko bhi tod deta kind of. To wahi philosophy yaar practical hai. अगर एक ही जगह 50 बैंग बैंग कर रहे हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ब्रेक दैट थिंग, यू कैन अचीव दैट थिंग इन अ वेरी डिसेंट मैनर. यार माइंड डाइवर्ट होता है यार, हमें लगता है यार अरे ये भी कर लेता हूँ वो जल्दी हो जाएगा. अब यार तुम इसको ही सही से नहीं कर पा रहे, उसको ही, क्योंकि सिलेबस अलग होती है, फॉर्मेट अलग है. तो तुम इधर एक इसमें स्विच कर दो, उसमें स्विच करो, इसमें स्विच करो, इसमें स्विच कर रहे हो. राइट
यार रिजर्वेशन कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा। अरे मैंने एक रैंडमली एग्जाम्पल दिया, इट कुड बी एनी थिंग, आई मीन एनी थिंग मीन्स एनी थिंग। इट कुड बी लाइक स्काई डाइविंग हो सकता है। तुम्हें तुमने कभी नहीं किया, तुम इससे डरते हो, लेकिन तुम चाहते हो इस साल तुम्हें करो, तो ऑल यू जस्ट नीड टू जस्ट गो फॉर इट एंड हैव सम करेज टू डू सो। अब ऐसा पता चला तुम वहाँ चले, वहाँ डर रहे हो, तो एक मेंटली प्रिपेयर भी होना थोड़ा सा पहले उसके लिए ज़रूरी होता है, सो दैट व्हेन यू विल प्रैक्टिकली डू सो यू विल नॉट अफ्रेड टू डू सो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे यूजुअली क्या होता है, क्योंकि न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर ठंड भी होती है, थोड़ा हर चीज़ रोमांटिक सा लगता है, एवरी थिंग इज लगता है अरे यार सभी ले रहे हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो मैं भी लूँगा प्लीज़। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं सपोज़ न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना रहा, मैं बिलीव करता, तो तुम भी बिलीव करते हो सेम चीज़ में, हो सकता है तुम इन सब, दिस इज़ बुलशिट फॉर यू यार, दिस इज़ टोटली फीजिबल, नथिंग रॉन्ग इन दिस। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने कर दिया तो तुम्हें भी वही बुलशिट रिपीट करना, देन ओनली विल हाँ, देखो हम समझदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नॉन सेंस। तो अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू नो ये सब चीज़ें कैसे तुम कर पाओगे, जब तुम अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ यार ठीक है, मेरी मर्ज़ी, मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी, नो वन हैज़ द राइट टू यू नो इम्पोज हिज और हर वाट यू नो देयर मेंटेलिटी, देयर वे ऑफ थिंकिंग ऑन मी, राइट। एनी वे यू नो लाइट चली गई है, तो इसको मैं जल्दी वाइंड अप करना चाहूँगा। यार लाइट भी यार क्या सीन है, एज यू नो इन्वर्टर, सो दैट ये भी लाइट जल्दी, अदरवाइज गोइंग टू बी आई एम टोटली ब्लैंक आउट। राइट नाउ आई एम नॉट टोटली ना, आई थिंक इट्स क्वाइट, इट्स नॉट दैट यू नो इट्स ग्लूमी, इट्स नॉट दैट ग्लूमी। सो यार यही सब है यार, अब दूसरों को इन्फ्लुएंस लोगे मत करो, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जो भी रेजोल्यूशन बनाओ, फॉर्म बनाओ, एक दो ही बनाओ, ये नहीं 50 लेके बैठे हो, जो से अपना लाइफ इतनी, लाइफ को इतने भी स्ट्रेस आउट मत करो। लाइफ इज़ ईजी, ब्यूटिफुल एंड इन्जॉय इट, इंस्टेड स्ट्रेस आउट 50 बीमारी लेके बैठे हो और कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो थोड़ा चिल आउट करो यार, थोड़ा न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में चिल आउट तो करना चाहिए। और यार जो भी कर रहे हो बस उस पर देखो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और कब तक करना है, अगर मैं इस राइट डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों को पैरामीटर को अगर तुम इवेलुएट प्रॉपरली करते हो तो चीज़ें ट्रस्ट मी गोइंग टू बी मच ईजियर, राइट। हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी देन एनी थिंग। अगर हेल्थ अच्छा है तो अभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। हेल्थ है फिर, हेल्थ अगर सही है या तो मेंटली अगर सही है तो और भी, तो इंटेलेक्चुअली भी सोच सकते हो, समझ साल भी सही रहेगा और तुम लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा यार। इस सक्सेस वक्सेस इज़ वेरी स्मॉल थिंग है ना, कोई भी इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल है ना, क्यों है, क्योंकि उसने इस चीज़ को बहुत इजीली, बहुत पहले इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ, एज लाइक सचिन था, उसने एक्नॉलेज किया पढ़ाई इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसने क्रिकेट पसंद था, उसने इसको फॉलो किया, वो देखो यार आज कितने करोड़, जितना आई थिंक मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ उतना वो पैसा लेके बैठा हुआ है, मतलब लग्जूरियस लाइफ जी रहा है ना, द लाइफ ही इज़ लिविंग मैनी ऑफ द पर्सन जस्ट ड्रीम्ड ऑफ, तो राइट। सो दिस इज़ द थिंग्स यार, सो यही सब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें जस्ट नीड टू कंसर्न ओवर ही, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, एंड डोंट गिव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू एनी पर्सन, एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन, डजेंट मैटर टू होम यू आर गोइंग टू गिव दिस अथॉरिटी टू। So this is all about this video, guys. Once again, I would like to, you know, wish you a happy new year 2020. Yeah, this life को इस ये life ये year तुम्हारा best best होना चाहिए, इससे कोई best नहीं, मतलब दिस ईयर तेरे को अपनी पूरी लाइफ इंजॉय करनी है यार, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट, है ना, ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत ले, चिल, बस कीप परसिस्टेंट विद द थिंग्स एंड डेफिनेटली द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन इन यून। फिर फ्लिपिंग ज़्यादा मत कर, एक जगह स्टिक कर, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर,
अब वही है, जैसे 50 बंदियों के पीछे मत भाग, एक बंदी के पीछे भाग, भागना मतलब इफ़ यू लाइक वन बंदी प्रपोज, इफ सी इज एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल फाइन, एब्सोल्यूटली फाइन, इफ सी इज रिजेक्टिंग दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली फाइन, मूव अहेड इन योर लाइफ बिकॉज दैट इज नॉट द ओनली गर्ल दैट इज मेड फॉर यू। तेरे को एक क्लियरिटी मिल गई ने, रिजेक्ट कर दी, आगे बढ़। इट्स नॉट लाइक कि मैं सब पे ट्राई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ लाइक कभी कभी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं जैसे हम रियली लव करते, लाइट भी आ गई, वाह। तो यही सब है चीज़ें यार। तुम्हें लगता है लाइक जैसे रिक्वायरमेंट हुई लगता है तुम्हें यार, यू नीड कंपेनियंस सो दैट यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, यू कैन शेयर योर वट एवर द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, देन उसके लिए चाहिए। अगर तुम्हें रॉन्ग इंटेंशन है तो प्लीज़ रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस नॉन सेंस, राइट? सो दिस इज़ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। और यार इंजॉय करो, और कल न्यू ईयर स्टार्ट भी होने वाला है, तो यार जस्ट डू योर बेस्ट, राइट? दिस इज ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से टू यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।